सुखल उठवा के करे दनगील, हैरानी बड़ा दिल करता, अब तो जियल हमर कैलू मुश्किल, हैरानी बड़ा दिल करता। हो मेरे कानों में मिश्री घोले, हमरे आगे पीछे डोले, मोहे डियर डार्लिंग बोले, बलम मोरा रंग रसिया रसिया, बलम मोरा रंग रसिया। सबसे पहले तो जितना भोजपुरी दर्शक लोग बा उन सब के रविंद्र सिन्हा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका मुबारकबाद देव कि उनकर लोग हमारा ट्रेलर देखस लोग रंगीला ट्रेलर आज रिलीज हुई है। हमारा खातिर बहुत बड़ा इस मत खुशकिस्मती बा कि दुर्गा प्रसाद जी जो बड़ा प्रोड्यूसर भोजपुरी के, जो समझ ली रवालो कि कम से कम 150 भोजपुरी फिल्म के फाइनेंस कर ले हुई हैं, उनकर पिक्चर उनका बैनर तले हम पहली बार जो है एज ए डायरेक्टर जो है वो पूरा कमान संभालने बनी, और फिल्म बनाने के जो हमारा मिलल बा पूरा जिम्मेदारी मिलल वो जिम्मेवारी के पूरा करनी, और आज ट्रेलर लॉन्च भइल बा तो खुशी के का ठिकाना होई हम बयान ना कर सकेला। चिंटू जी की छाप नजर आई, रवि सिन्हा का छाप नजर आई। रवि सिन्हा हमेशा एक अलग हट के फिल्म बनने बड़न, हमने दिया है लोगों को ऑडियंस को हथकड़ी, इंतकाम, ससुराली जिंदाबाद, भोजपुरी डॉन, ऐसे ऐसे फिल्में मैंने हिट दी है। तो आज भोजपुरी दर्शकों को जो है मेरे से बहुत अपेक्षा होती है, आशा होती है, और उस आशा में वो लोग कभी भी निराशा नहीं होंगे उनका इस फिल्म में। और एक चीज़ बहुत बड़ी बात मेरे लिए है कि इस फिल्म में राजकुमार पांडे जी ने म्यूजिक दिया है, उनके गीत पे मैं पहली बार काम किया हूँ, लेकिन मज़ा आ गया। उन्होंने बड़ा बहुत ही अच्छा जो है म्यूज़िक बनाया है, और उस पर जो हमने पिक्चराइजेशन किया है इसके एक एक सीन गाने के एक एक लोकेशन आप देखेंगे तो लगेगा कि वाह हम क्या ये हिंदुस्तान का लोकेशन है। 2014 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी हथकड़ी, फिर 15 में आई इंतकाम आई, तो ये तीसरी हैट्रिक मारने के लिए भगवान से मैं पूर्ण विनती करता हूँ कि मेरी तीसरी हैट्रिक फिल्म हो और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो, और ये फिल्म जो है हर पब्लिक को ऑडियंस को लगे कि वाह क्या पिक्चर है। सबसे पहले तो मैं अपने सारे भोजपुरी समाजवासियों को अपना प्रणाम बोलूंगी, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की लग रही है कि मैं बहुत बेहतरीन फिल्म का हिस्सा हूँ, और आपने अभी ट्रेलर देखा तो आप लोग को मज़ा आया होगा, फिल्म देख के और भी ज़्यादा इंटरटेनिंग लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है अभी तक एज एन ऑडियंस बोलूँगी, एज एन आर्टिस्ट नहीं, कि मुझे भी भोजपुरी की सारी फिल्मों से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, बट ये एक ऐसे फिल्म है जहाँ आपको देख के लगेगा नहीं भोजपुरी बहुत आगे जा चुका है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम इसमें थोड़ा अलग करने को मिला है, डेडिकेशन, प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें, अच्छा लगा करेक्टर को जी करके। मुझे लगता है कि अगर अच्छा कोई एक्टर हो तो आपको काम करने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और रही बात चिंटू जी की तो इस पावर बूस्टर, तो वैसे मुझे भी इस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें हैं, और आई एम 100% श्योर कि ये कंप्लीट होगा। हम सिनेमा जीते हैं, सिनेमा खाते हैं, सिनेमा सोते हैं, सिनेमा ही पीते हैं, तो हमारे लिए हर एक फिल्म एक नया सवेरा होता है, और हम अगर किसी फिल्म को फाइनेंस भी करते हैं, किसी फिल्म के राइट्स भी लेते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं ना, तो हमारे लिए वो एक जलसा होता है, एक त्यौहार होता है, वो खुशी का माहौल रहता है, और ये बहुत नेचुरल सी बात है कि जो अगर सिनेमा को जीता है तो वो सिनेमा का नाम सुनते ही खुश हो जाता है। देखिए ऐसा है ना कि हमने जब भी जिस सिनेमा को हाथ लगाया है ना वो एकदम ढर्रे पे चल के काम नहीं करते हैं। हम लोग जिस समय सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, मैं और राजेश जी, राजकुमार, चिंटू, ये सब बैठे थे, तो हम लोगों ने 3-4 सब्जेक्ट सुना। इसके पहले जितना सब्जेक्ट हम सुन रहे थे ना उसमें एक कहीं ना कहीं एक रूटीन आ रहा था कि वो कोई विलन होगा, वो बदला लेगा, फलाना ढिमका, जो एक 99% सिनेमा में चलता है वो आ रहा था। अचानक जब ये सब्जेक्ट सुनना शुरू किया तो हमने और राजकुमार जी ने बोला कि यार सिनेमा तो यही बनाएंगे, तो हमने तुरंत डायरेक्टर साहब को बुलाया रवि जी को कि रवि जी आपका क्या ख्याल है सिनेमा के बारे में, तो उन्होंने बोला लाजवाब सब्जेक्ट है और कुछ ना कुछ ये नया है महंगा सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हम लोगों को VFX का काम जो है, ग्राफिक्स का काम बहुत लंबा चौड़ा है, और मैं जितना सिनेमा जानता हूँ, ये जो 2nd-3rd इनिंग है भोजपुरी की, मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, तो इतना बड़ा रिस्क किसी ने नहीं लिया, तो हमने कहा कि चलो इस सिनेमा को बनाते हैं, और हमने शुरू कर दिया, और जब हमको 3 महीने लग गया इसके ग्राफिक्स करने में, और जब सिनेमा सामने आया तो बहुत अच्छा लाजवाब ग्राफिक्स होके, लाजवाब सब्जेक्ट, लाजवाब म्यूज़िक, चिंटू ने बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस दी है, जितने भी लड़कियों ने काम किया है, पूनम जी, हम लोग सब्जेक्ट सुन रहे थे, राजकुमार जी कुछ गुनगुना रहे थे, तो मैंने राजकुमार को बोला यार मैं इस फिल्म का म्यूज़िक नहीं दूंगा, इसका म्यूज़िक
इसको तुम्हें ही देना है, क्योंकि मुझे उसी दिन समझ में आ गया था जिस दिन वो सब्जेक्ट सुनते सुनते कुछ ना कुछ टेबल बजा के गुनगुना रहे थे। तो मैंने राजकुमार जी को बोला, यार जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मेरे से बहुत बेहतर चल रहा है, तो ये जो और एज प्रोड्यूसर तो हमें तो बेहतर चुनना है ना। तो हमने जब ये मालूम पड़ गया कि इसका म्यूज़िक हमसे अच्छा राजकुमार जी देंगे, तो इसको मैंने राजकुमार जी को उसी दिन उसी वक्त साइन किया था। मैं पहली बार फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखा इस प्रोडक्ट से, और दुर्गा जी के साथ जुड़ के और एक कॉन्फिडेंस मुझे उनके साथ बात करके पहली बार आया। उन्होंने बहुत मॉरल बूस्ट किया और वो बोले कुछ चिंता की बात नहीं है। उनका एक्सपीरियंस और प्लस जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो अपनी जगह है फिल्म मेकिंग का, बट जो सबसे बड़ी बात है दुर्गा जी की कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। जो एक सफाई उनकी नीयत में है, जो एक सच्चाई है, उससे इम्प्रेस होके हमने ब्लाइंडली उनके साथ हाथ मिलाया। सबसे पहले नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को, और हमारे जो भोजपुरी प्रेमी हैं उनको दिल से धन्यवाद कि आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त। बहुत सारे लोग मोबाइल, चूँकि अब बहुत फास्ट ज़माना हो गया है, जैसे स्विच ऑन यहाँ होता है वैसे लोगों के हाथ में पहुंच जाता है, आप लोग देखिए। और मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही, क्योंकि एक ऐसी फिल्म मैंने भी जब ट्रेलर देखा तो मुझे भी सरप्राइज़ लगा कि इतना खूबसूरत, मतलब भोजपुरी में एक फिल्म आई है और इफ़ेक्ट्स इतने अच्छे हैं, इस तरह का CG वर्क हुआ है इसके लिए। तो आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें, और जब आप देखेंगे तो अच्छी फिल्में और बनेंगी। दुर्गा प्रसाद जी हमारे जो इतने बड़े प्रेजेंटर फाइनेंसर हैं आदिशक्ति एंटरटेनमेंट के, वो खुद बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, वो पखावज प्लेयर हैं, वर्ल्ड वाइज उनका इतना बड़ा नाम है, उनके लिए म्यूज़िक देना ये एक सौभाग्य की बात है। और हम लोग बैठे हुए थे एक दिन जब रंगीला की तैयारी हो रही थी, तो मैंने असल में अपनी ही फिल्मों का म्यूज़िक दिया, बाहर किसी प्रोडक्शन के लिए मैंने अब तक म्यूज़िक कोई दिया नहीं था। तो ये हाँ, एक फिल्म और थी दीवाने, जिसके लिए मुझे बहुत फोर्स किया फिरोज, चूँकि फिरोज मेरे कैमरामैन रहते थे हमेशा, तो फिरोज ने कहा नहीं सर दीजिए। उसके बाद दादा की जो फिल्म है दुर्गा जी की, हमारे रवि सिन्हा जी उस फिल्म के निर्देशक हैं, मैंने भी देखा है, मतलब मैं खुद डायरेक्ट करता हूँ, उसके बाद मुझे पहली बार ऐसा कोई ट्रेलर होगा जो मुझे बहुत प्रभावित किया है। ओ मेरे कानों में मिस्री घोले, हमरे आगे पीछे डोले, मोहे डियर डार्लिंग बोले, बलम मुरा रंग रसिया रसिया, बलम मुरा रंग रसिया, मोहे डियर हो डियर डार्लिंग बोले, बलम मुरा रंग रसिया। दादी बोलती है कि एक दिन कहानी ले आदी कद्दू, एक दिन कहानी ले आदी लड्डू, लेके अइले खेत से कद्दू, कद्दू काट के सब्जी बनवली, खुद खैली पूरा घर के खियावली, फिर भी अकड़ के बोले, बलम मोरा रंग रसिया रसिया। तो इस तरह के रंग हैं ससुराल में भी, और आप लोग आगे आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी फिल्में देखते रहेंगे। Planet Bhojpuri.